की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। 2014 में भी मुझे मौका मिला था यहाँ से, जब रामस्वरूप जी सांसद जी का कार्यक्रम था आप लोगों को संबोधन करने का, तो मैं पहले एक बार यहाँ आ चुका हूँ। और वैसे भी आप कुल्लू जिला के बाकी जो कंस्टिट्यूएंसी है उनको तो मिलते रहते हैं। मंच पर विराजमान हमारे हिमाचल की आन बान और शान यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, उनके साथ हमारे कर्मठ प्रदेशाध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी, उन्हीं के साथ मंच पर विराजमान एपीएमसी के चेयरमैन अमरचंद ठाकुर जी, मंडलाध्यक्ष महेंद्र ठाकुर जी, अनु ठाकुर जी, धुनीचंद जी, शेर सिंह जी, अशोक ठाकुर जी, प्रदेश ठाकुर जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी का। जैसे कि आप जानते हैं विश्व की आज सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और ये मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता, गौरव और मान और सम्मान की बात है। ऐसी बड़ी पार्टी ने मंडी संसदीय क्षेत्र से मुझ जैसे आम कार्यकर्ता, मुझ जैसे साधारण व्यक्ति, मुझ जैसे पूर्व सैनिक को ये मौका दिया है कि मैं संसद में आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर सकूं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी का, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का जो हिमाचल के सपूत है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का, श्री सुरेश कश्यप जी का और आप सब कार्यकर्ताओं का, जिनके वजह से आज ये मुझे मान सम्मान मिला है। जैसे कि आप जानते हैं मैं सेना में 35 साल रहा और मुझे कारगिल की लड़ाई में देश के बाहर एक ऑपरेशन कुकरी चलाया था अफ्रीका में, उसमें श्रीलंका में लिबरेशन टाइगर्स तमिल इलाम के विरुद्ध, और ज्यादातर जीवन जो है कश्मीर में गुजरा आतंकवादियों के खिलाफ युद्ध करते हुए। मेरी पृष्ठभूमि ग्रामीण क्षेत्र से है, किसान परिवार से है और मुझे बड़े विनम्रता के साथ ये बताने में खुशी है कि मैंने अपना जो शुरू का जीवन है एक पटवारी के तौर पर शुरू किया मंडी जिला से। रात्रि कॉलेज में ग्रेजुएशन की मंडी इवनिंग कॉलेज से 1975 में, 35 साल सेना में रहा, 2010 में रिटायर हुआ। रोहतांग टनल जिसके बारे में आपने सुना है उसका जीएम रहा और मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने एक दूसरा मान सम्मान एज चेयरमैन जो हमारे पूर्व सैनिक निगम है उसका सीएमडी का, जो दो दिन पहले मैंने उसे त्याग पत्र दिया है जिसमें उन्होंने मुझे मौका दिया अपने वीर योद्धाओं का, सेनानियों का, वीर नारियों का, सैनिक परिवारों को देखभाल करने का। मैंने पूरा प्रयत्न किया है कि अपनी काबिलियत के हिसाब से मैंने जो भी मैं कर सकूं मैंने किया। अभी मुझे एक और अवसर राजनीतिक तौर पर मिला है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन जैसे कि कारगिल के युद्ध में तोलोलिंग की पहाड़ी, टाइगर हिल की पहाड़ी आज बच्चा बच्चा जानता है, मुझे बताते हुए खुशी हुई है 18 कैनेडियंस की कमांड जिसे मैंने कारगिल में किया उनको 52 जो वीरता पुरस्कार है वो मेरी कमांड में उनको प्राप्त हुए। 75 वीरता पुरस्कार मेरी कमांड 3 साल जो मैंने 18 कैनेडियंस की उसमें प्राप्त हुए, जो कि भारतीय सेना में एक रिकॉर्ड है। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के हमारे 224 जवान रेबल्स के चुंगल में फंसे हुए थे, हिंदू संस्थान लाने का मौका भी मुझे को मिला। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर आज लीडरशिप है केंद्र में, प्रदेश में, और वो हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी है, और उसी के साथ साथ जो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उस समय वो प्रभारी हिमाचल के हुआ करते थे, वो भी कारगिल के इलाके में आए हुए थे। हमारा संसद कैसा हो, हमारा संसद
पाकिस्तान ने कभी नहीं सोचा था कि 4 जुलाई को टाइगर हिल गिर जाएगा। उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे नवाज शरीफ, पाकिस्तान के सबसे पहली फ्लाइट ले, हमारे प्रधानमंत्री ने उस समय कहा था कि जब तक एक एक पाकिस्तानी को मैं अपनी सीमा से बाहर नहीं निकाल सकता, मैं पाकिस्तान पे किसी भी कीमत पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हूं। और आज देखिए हमारे जो स्ट्रांग लीडरशिप है हमारे मोदी जी के लिए, एक गोली आती है उसका जवाब गोले से दिया जाता है। आपने देखा किस तरह सर्जिकल स्ट्राइक की गलवान में, किस तरह भी जो हमारे सैनिक है उन्होंने शौर्य, परंपरा, वीरता, त्याग और बलिदान का जो परिचय दिया। इसी तरह प्रदेश में हमारे एक स्ट्रांग लीडरशिप है, आपने देखा किस तरह वैक्सीनेशन का जो अभियान चला, हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिल्कुल आगे चलकर खुद जो है वैक्सीनेशन को उठाते हुए आज हिमाचल को नंबर 1 स्थान में प्राप्त किया। और प्रधानमंत्री